अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, टॉपिक का नाम मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, तो इसमें एक सबसे पहले हम टर्म पावर को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर क्या है। पावर का नाम था सीधा सा द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि पावर क्या है, काम करने का हिसाब किताब, रेट, टाइम, किस हिसाब से काम हो रहा है, इसको हम कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर हम देखें तो डूइंग वर्क का मतलब है कि उस चीज़ के पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी। अरे भाई, एनर्जी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए काम करने, जैसे आपने कोई काम करना, आज तो दिल ही नहीं करा, दिल का मसला नहीं है भाई, एनर्जी का मसला है, एनर्जी होगी तो काम होगा, सिंपल सी बात। और पावर का यहाँ से फॉर्मूला देखे तो आता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या मैं इसको यू भी कह सकता हूँ, एनर्जी का हिसाब किताब किसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से। ठीक हो गया, इसको हम टाइम लिख लेते हैं। अब मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि पावर क्या, मैंने आपसे पूछा है मैक्सिमम पावर क्या। मैंने कहा यार ये एक काम आपको देता हूँ, मेरे पास ना एक रेड़ी है, रेड़ी वो खाली है, मैं कहता हूँ इसको चला के दिखाओ, आप चला लेते हो, मैं उसके ऊपर सामान लाता हूँ, आप फिर चला लेते हो, मैं उसके ऊपर सामान लाता हूँ। मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं वेट बढ़ा रहा हूँ तो आपकी एनर्जी भी, यानी कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा मैं सामान बढ़ाता जाऊँगा, आपको धक्का मारने के लिए एनर्जी की मकदार भी उसी लिहाज से ज़्यादा चाहिए। फ़र्ज़ कर लो ये रेडी है और ये आप हो, ये इसको धक्का मार रहे हो, ठीक है। अब आप उसको धक्का मार रहे हो रेडी को, मैं इसके ऊपर सामान की तादाद बढ़ाता जा रहा हूँ। अब मैं जैसे जैसे सामान की तादाद बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आपकी एनर्जी की मकदार भी बढ़ती जाएगी। मैं देखता जाता हूँ कि आप मैक्सिमम कब तक आप इसे चला सकते हो, मतलब कहाँ तक मैं कितना इसके ऊपर लोड डालूँ कि आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी को इस्तेमाल करो। तो जो मैक्सिमम एनर्जी आप डिलीवर करोगे उस वक्त वो टाइम भी लगेगा, जितने वक्त में वो एनर्जी डिलीवर होगी वो आपकी उस वक्त कहलाएगी मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, इसकी सादा सी एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। आपके पास कार है, है? अच्छा, कार है आपके पास और आपको चलानी आती है, ठीक है। तो कार को आप चलाते हो, स्टार्ट करते हो, या बाइक है उसके इंजन को स्टार्ट करते हो, चलाते हो, कार चलती है, पेट्रोल को यूज़ करती है, आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो। तो आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो आप उसके असल में पावर इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि उसका यूजेज जो है, एनर्जी पर यूनिट टाइम वो बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब बढ़ाते जाते बढ़ाते, एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हो वो नहीं बढ़ती, वो उस वक्त उसकी मैक्सिमम, एक सिंपल सी एनालॉजी के तौर पर हम इसे यूज़ करें कि ये मैक्सिमम लिमिट है कि यहाँ तक आप उसकी मैक्सिमम पावर आप उससे ले सकते हो, इसके ऊपर वो आपको मज़ीद पावर नहीं दे सकती, वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम पावर आउटपुट। यानी कि ओवरऑल कहानी है कि एनर्जी मैक्सिमम हम कब किसी चीज़ से ले सकते हैं, वो उसकी होगी मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब जरा इस सर्किट की तरफ आए, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई भी रेजिस्टर है, ये देखें, और इसको भाई साहब मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी के अंदर मुझे पता है, इस बैटरी को हम बाद में देखते हैं कि इस बैटरी में क्या क्या बलाएं हैं, क्या क्या नहीं है। इसके अंदर मुझे पता है कि बैटरी क्या करती है, बैटरी इस यहां पर इस पूरे सर्किट में पड़े होते हैं चार्जेस। ये कंसेप्ट हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि क्या होता है, कैसे नहीं होता, सारा कुछ इधर। और इसके दरमियान में जो पोटेंशियल है वो है V, यानी कि इस साइड पर पोटेंशियल V है और इस साइड पर जीरो। तो बैटरी क्या करती है, इस लो एनर्जी से चार्ज को पकड़ती है और हाई पर लेके जाती है। तो इसके रास्ते में बैटरी इसके ऊपर करती है वर्क, और वर्क करने की सूरत में एनर्जी, और वो एनर्जी इधर जाती है। अब ये तो थी, इसने प्रोवाइड कर दी, अब हमें आउटपुट जो एनर्जी मिलनी है वो इस रेजिस्टर की शक्ल में मिलनी है। तो जो इस रेजिस्टर पर मैक्सिमम हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम पावर,
वो कहलाएगी हमारी मैक्सिमम पावर। अब बैटरी तो प्रोवाइड करती रहती है एनर्जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम बैटरी से एनर्जी हासिल कर लूँ। मैक्सिमम मीन कि मैक्सिमम उसकी कितनी पावर है मुझे पास, वो बैटरी कितनी मैक्सिमम पावर दे सकती है वो मुझे पता कैसे चलेगा, कितनी पावर किस वैल्यू पर मुझे मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर रेडी पर सामान कम था, ये आप हो, ये रेडी है, सामान कम था तो इसने कम दी, सामान ज़्यादा था इसने ज़्यादा दी, आप कुछ तरह कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि उधर तो सामान बढ़ाते जा रहे हो आपको एनर्जी मिल, इधर भी कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि आप मैक्सिमम पावर इस बैटरी से हासिल कर सको, वो जो होगी वो आपकी कहलाएगी मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब सिंपल सी कंसेप्ट हम इधर अगर इस्तेमाल करें तो आपको क्या, सर वी नो डैट कि अगर ये रजिस्टर है तो बैटरी से इधर सर्किट में प्रोवाइड कर रही है एनर्जी, लेकिन सर आपकी डायग्राम गलत है। मैंने कहा भी वो कैसे? उसने कहा सर असल में बैटरी की कुछ ना कुछ ताकत बैटरी के अंदर ही ज़ाया हो जाती है पोटेंशियल की शक्ल में। मैंने कहा भी वो कैसे? वो कहता है सर ये डायग्राम थोड़ी सी ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये कुछ यूं होगी, मैं इसको बनाता हूँ। मैंने कहा भी कैसे होगी? उसने कहा सर ये आपकी जो बैटरी है ना ये यूं होगी, ये आपकी बैटरी है, ये जो ग्रीन वाली है। तो मैंने कहा फिर ये क्या चीज़ बनाई है आपने, ये क्या चीज़ है? ये है जी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है आपकी ईएमएफ, ठीक है, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था। और यहाँ से हम एक चीज़ नज़र आएगी, ये है जी आपकी बैटरी, इसके अंदर ये जो चीज़ है ये है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक इसके अंदर आ जाएगी EMF, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस जो R है स्मॉल R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो है कैपिटल R, इसको आप लोड भी बोल सकते हो। मैंने कहा लोड कैसे? यानी कि ये कोई भी बल्ब हो सकता है, तो जनरल फॉर्म के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, R, ठीक है, यानी कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो मैंने रख दिया नाम R। अच्छा, इसका मतलब है कि असली जुगाड़ ये होगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लॉज आएगा और हमारे पास जो फाइनल इस जगह पर जो इक्वेशन बनी थी, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा, वो पोटेंशियल असल में था V टर्मिनल विच इज इक्वल टू E माइनस IR। ये था इंटरनल रेजिस्टेंस कि बैटरी जितनी भी पावर डिलीवर करती है वो असल में कुछ इस शक्ल में करती है, बैटरी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो बराबर था वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एक चार्ज पर कितना काम हुआ, और इसी को हम इधर अब ईएमएफ बोल देते हैं। तो ये वो था कि जो बैटरी काम करती है लो से हाई ले जाने के लिए, तो ये वो एनर्जी है जो काम है बैटरी कर रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज दे रही है, वो ईएमएफ के सामने आ रहा था। यानी कि बैटरी ओवरऑल क्या प्रोवाइड कर रही है, चार्ज नहीं करती, बस एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि ऊपर जाती है, जैसे कि हमारी इंजन है, इंजन नहीं चलाता, इंजन की एनर्जी, इंजन सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट करता है, कि डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है सिर्फ हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि इसका कोई और काम नहीं है। तो सिमिलरली बैटरी भी केमिकल एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम बैटरी से मैक्सिमम ताकत खींचें किसी तरह, कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं कि ये बंदा शराफत से हमें मैक्सिमम पावर दे दे। अब इसके लिए हमें कोई बाहर ऐसा तगड़ा बंदा या कुछ इस तरह का बंदा लगाना पड़ेगा जो इसे ताकत छीनने में महारत हासिल रखता हो। अब हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, कहते सर कोई भी लगा ले। मैंने कहा क्यों? वो कहता है कि एज वी नो पावर इज गिवन एज, पावर बराबर है पी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई वी। अच्छा, तो उसने कहा सर आप सर्किट का करंट बढ़ा दो। तो मैंने कहा यार सर्किट का करंट बढ़ाऊंगा तो मुझे यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल, यानी कि व्हेन वी यूज स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हम छोटी सी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं कोई ताकि मैक्सिमम करंट मिले, लेकिन अगर हम स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो इधर पे एक फड्डा आ जाएगा। हमें देखने में तो ये लग रहा है कि करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस छोटी होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा गुजरेगी, करंट ज़्यादा गुजरेगा तो पावर ज़्यादा बनेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इस वी को इग्नोर कर रहे हैं, ये कम हो जाता है। मैंने कहा भी ये क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब आप बैटरी से ज़्यादा करंट छीनने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर ये वाला फैक्टर आई मल्टीप्लाई बाई आर, ज़्यादा करंट, आर की वैल्यू सेम है
तो इस फैक्टर की वजह से एक पोटेंशियल का ड्रॉप जो बैटरी के अंदर है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट करो आप रेजिस्टेंस छोटी लगा देते हो और बैटरी है 10 वोल्ट की, तो आप करंट उसे ज़्यादा छीनते हो तो बैटरी इधर 10 की है, लेकिन जो इधर जाएगा ना वो अच्छा खासा काम होना शुरू हो जाएगा जब ज़्यादा करंट, क्योंकि उसके अंदर ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा और ये वाले इलाके के अंदर डेसिपेशन एनर्जी की ज़्यादा होगी। तो हमें तो अंदर नहीं चाहिए, हमें तो बाहर चाहिए, तो ये वाला काम ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, लेकिन व्हेन वी यूज लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम बड़ी वैल्यू लगा दें तो क्या होगा, अगर हम बड़ी वैल्यू लगा दें तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू के अंदर पावर फिर बराबर आ जाएगी I इंटू वी। अब बड़ी वैल्यू से करंट तो कम हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से इसके अक्रॉस करंट कम हो जाएगा, तो अंदर ड्रॉप कम हो जाएगा, तो बाहर का ड्रॉप मैं कह देता हूँ बढ़ जाएगा, लेकिन करंट कम हो जाएगा, ओवरऑल पावर पे इंपैक्ट बहुत कम पड़ेगा, तो तब भी हम मैक्सिमम पावर नहीं ले सकते। हमें कोई ऐसा जुगाड़ चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए कि हम मैक्सिमम पावर इधर से हासिल कर लें। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि हम मैक्सिमम, हमें जाहिर सी बात है हमें बाहर तो कोई ऐसा बंदा लाजमी बात है चाहिए, यानी कि कोई ऐसा ड्राइवर चाहिए जो मैक्सिमम पावर ले सके हमारे इस इंजन से, लेकिन वो बंदा कैसा होना चाहिए, अब उस बंदे को ढूंढना हमें। अब उसके लिए हमें पता है कि जो पावर बैटरी ने देनी वो तो है आई इंटू वी, लेकिन जो बाहर पावर उस भाई साहब ने इस्तेमाल करनी है वो डिपेंड करती है उसकी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि जो भी पावर उस भाई ने इस्तेमाल करनी है वो बराबर होगी आई वी के, और वी इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक ये बनेगी इक्वेशन पावर की जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाई थी पावर में आई स्क्वायर इंटू आर के, यानी कि जो पावर इसमें जाएगी वो किसके बराबर होगी, स्क्वायर ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस आर। मैंने कहा हाँ यार ये तो बनेगी, इनके मैक्सिमम पावर हम इधर से कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन इधर जो करंट है वो कितना होगा, वो करंट जस्ट आई नहीं होगा, क्योंकि कुछ करंट इधर भी अंदर से भी ज़ाया हो जाएगा, मतलब आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वहाँ पे आएगा। तो हमारे पास जो ओहम लॉ है वो होता है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, बट इधर आएगा V इज इक्वल टू की बजाय E, क्योंकि इधर वोल्टेज नहीं है बल्कि EMF है, मेन बंदा ये है जिसने पावर डिलीवर करनी है इंजन, E यानी के EMF इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R इक्वलेंट। मैंने कहा भाई R इक्वलेंट कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस नहीं है, दो हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस R और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये दोनों सीरीज में है, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो इनका क्या हो जाता है सम, तो फिर यहाँ से जो सर्किट का करंट होगा, सर्किट का जो करंट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई ओवर आर प्लस कैपिटल आर, ये बनेगा। अगर हम इस करंट को इधर पुट करें इसमें, तो फिर जो पावर आएगी वो किसके बराबर आएगी, ई ओवर आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये बनेगा ई स्क्वायर इंटू आर ओवर R प्लस आर का होल स्क्वायर, इसको मजीद ओपन करें तो ये बनेगा ई स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर प्लस टू आर आर। कभी ये कैसे आया, तो ये मैथ वालों को वैसे पता होगा, बाकी जो दूसरे लोग उनको बता दें तो क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी, तो मैंने सिर्फ ये लिखा होगा इधर, ठीक है, इसको सिर्फ ओपन कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगी पावर। अच्छा, अब ये जो पावर आएगी आपके पास, इसके अंदर तो इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, हम किस फैक्टर को बढ़ाएं और किसको रखें, अब देखें तो हमारे पास सही है न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं और नीचे वाले जुगाड़ को, इसमें ये चीज़ फिक्स है ये फिक्स है, यानी कि ये आर का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ढूंढना भी ये फार्मूला मैंने आई स्क्वायर आर इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये उस इस रेजिस्टर के लिए, तो इस रेजिस्टर की वैल्यू को हमने कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि इसका आंसर क्या आ जाए, इस पूरे फैक्टर का आंसर मैक्सिमम, और मैक्सिमम तब आ सकता है जब ये फंक्शन कम से कम हो और ये फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये फंक्शन तो फिक्स है ही, इसको हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात अगर नीचे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर भी बढ़ जाएगा, तो पावर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसका कुछ जुगाड़ निकालते हैं। वो जुगाड़ बुक ने कुछ ऐसा निकाल दिया आपको, बुक ने कहा क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस टू आर आर प्लस टू आर आर माइनस टू आर आर, ये जुगाड़। अगर आप इसमें देखें तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है,
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2 RR प्लस 4 RR, इन दोनों को ऐड, सॉरी इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको इधर ले आए। तो जैसे ये फार्मूला ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, तो जब ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये माइनस 2AB होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का माइनस में आ जाता है आंसर। तो ये जो पावर बनेगी किसके बराबर बनेगी, ई स्क्वेयर आर ओवर आर माइनस आर का होल स्क्वेयर प्लस 4 RR, यही बनेगी। अगर आप गौर करो तो इस इक्वेशन के अंदर हम इस फैक्टर को, ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर और इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को कम कर दें तो ये आंसर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का आंसर कम हो जाए। और ये इट इज ओनली पॉसिबल कि हम बाहर वाली को छेड़े, क्योंकि हम अंदर वाली को तो चेंज कर नहीं सकते। तो हम बाहर वाली को कहते हैं कि जो बाहर वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अंदर वाली रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी कि जितनी अंदर की रेजिस्टेंस है उतनी हम बाहर की रखते हैं। तो अगर हम ये वाला करें तो आप देखोगे ये इक्वेशन कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको, ई स्क्वेयर आर ओवर आर माइनस आर, या इसकी जगह आप लिख लो कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर, यानी कि इसको बराबर कर दो इसके बराबर कर दो, प्लस 4 RR का स्क्वेयर। तो अगर आप देखो तो ये तो हो जाएगा माइनस, तो जीरो का स्क्वेयर जीरो, तो ऊपर बचेगा ई स्क्वेयर आर ओवर 4 RR स्क्वेयर, ये इससे कटा। तो हमारे पास जो पावर का आंसर बनेगा वो पावर का आंसर बनेगा इधर, वो आ जाएगी पावर हमारे पास ई स्क्वेयर ओवर 4 RR, यानी कि ये मैक्सिमम पावर हम हासिल कर सकते हैं इसकी वैल्यू का स्क्वेयर ओवर 4 RR। ये सिर्फ तभी पॉसिबल, और ये वो पावर है जो हमने इसके अक्रॉस कैलकुलेशन लेके ली, यानी कि ये पावर जो इसे मिल रही है, तो जाहिर सी बात है जो इसे मिल रही है वो होगी आपकी पावर आउटपुट। चूंकि ये आउटपुट है और मैक्सिमम इसका आंसर ये बन सकता है कब, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर पुट करते हैं। जब इंटरनल के बराबर पुट करेंगे तो जब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस सर्किट, ये जो सर्किट है ये बैटरी या उस सोर्स ऑफ ईएमएफ की मैक्सिमम पावर को इस्तेमाल करने लग जाएगा। तो यही जुगाड़ है कि हम इस तरह कुछ कर सकें, यानी कि ना तो इसको बहुत बड़ा रखना है ना छोटा, सिर्फ उतना रख दो जितना उस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो उसको हम एक अलग एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, इस तरह कैलकुलेशन से भी, यानी कि इस तरह एक फार्मूला इसको इस्तेमाल करते हुए, या पोटेंशियोमीटर हम आगे पढ़ेंगे उसको इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें जब पुट करेंगे तो वो वाले रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप देखोगे कि उस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम ताकत मिल रही होगी, और ये वो मैक्सिमम पावर होगी जो बैटरी डिलीवर कर सकती है, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, इसे कम कर सकती है अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे या कम करोगे। इसका मतलब है कि जब ये इस आर आर के बराबर आ जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसको ग्राफी के लिए बनाऊँ तो इधर मैं रख देता हूँ आपका आर की वैल्यू, और इधर मैं रख देता हूँ आपकी पावर, ठीक है। अब ये ग्राफ में देखें तो आप देखोगे ये ग्राफ यूं बनेगा, कुछ यूं करके। यूं का मतलब क्या है, ये जहां पर ये मैक्सिमम पावर हुई है, यहां पर असल में क्या था कि आपका जो एक्सटर्नल आर था वो इंटरनल आर के क्या हो गया था, बराबर हो गया था, तो वहां पर आपको मैक्सिमम मिली। लेकिन जैसे ही आर की वैल्यू आर से बड़ी होने लगी तो पावर कम होगी, या कम हुई तब भी कम हुई, यानी कि ये सिर्फ वहां पर सिर्फ मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल सकती है जहां पर ये वाले आर की वैल्यू बैटरी के अंदर के आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाए। ये था आपका एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, यहां से एक एमसीक्यू आता है कि मैक्सिमम पावर कब मिलती है, तो सिर्फ तब मिलती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अगर इसमें कोई आपको कोई शक व शुबा है या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।